हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के पेरेंट्स के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस बच्चे की सेंटर के साथ साथ घर पे भी एक्सरसाइज कराई जाए। क्योंकि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को जब तक आप 2 से 3 बार घर पर ध्यान नहीं देंगे, उसके साथ पूरा लगेंगे नहीं, बच्चे के साथ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा कभी भी अपने पैर पे नहीं चल पाएगा। उसमें इम्प्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। बच्चा जो है जितना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए हम आप सभी को बताते हैं कि बच्चे के साथ लगना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बच्चे के साथ पेरेंट्स को 2 से 3 बार एक्सरसाइज घर पर कराना चाहिए, रेगुलर कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो टाइम है जो निकल जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। हम हमेशा आपको बताते हैं कि बाकी सब काम आप पूरी लाइफ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का जो समय निकल जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चे के समय को पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ पूरा लगना चाहिए। क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं लगेगा अपने बच्चे के साथ, तब तक बच्चे को कोई ठीक नहीं कर सकता। तो चलिए इस वीडियो पे हम बताते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका क्या रोल होता है, और उन पर कौन कौन सी एक्सरसाइज कराने की जरूरत होती है, उन पे बच्चे की कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं। चलिए पहले तो हम जानेंगे कि हमारा नीकेप है। ये हमारा नीकेप होता है, इसको बच्चे के नी पे यूज करते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चे को जो हम नीलिंग कराते हैं, या बच्चे को नी वॉक कराते हैं, या बच्चे को बैलेंसिंग कराते हैं, तो हम इसको पहनाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे का नीकेप का यूज कैसे कर रहा है, और इसके पहनाने से बच्चा जब नी वॉक करता है या नीलिंग करता है या बच्चा बैलेंसिंग करता है, तो बच्चे के किसी भी तरह से इंजरी नी में नहीं होती है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा जब बिना नीकेप के चलता है तो बच्चे के पैरों में रेसेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, और बच्चा कई बार नी में पेन होने की शिकायत भी करता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों को नीकेप देते हैं, ताकि बच्चे को नी में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और बच्चा सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाए। नेफ्ट जो बेनिफिट होता है, नेफ्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मफलन है। ये मफलन जो भी बच्चे नेक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिटिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये एक तरह का गोल तकिया है, और इसके जगह पे बॉलिफ्टर भी यूज कर सकते हैं। बॉलिफ्टर हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसी के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसका क्या यूज है। नेक कंट्रोल करने के लिए इससे बच्चों पे, जो बच्चे हाथ पे वेट नहीं लेते हैं, तो इसका हम बच्चों के हाइट के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से इसका हम साइज लेते हैं। इससे बच्चे को हेड वेट वेयरिंग एक्सरसाइज और नेक कंट्रोल की एक्सरसाइज कराते हैं, बच्चे को सिटिंग भी कराते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यानी गोल वाली तकिया या बॉलिस्टर का क्या रोल है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में। तो जो बच्चे बैठते नहीं है, नेक कंट्रोल नहीं करते हैं, उन बच्चों को बॉलिस्टर पर एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि बच्चा जो है नेक कंट्रोल और सिटिंग एक्सरसाइज घर पर भी कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा है, हमारे पास ये वेट कफ है। ये 1 kg का वेट कफ है। इस तरह से वेट कप का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब बच्चे बैठने लगते हैं, फिटिंग करने लगते हैं, तो उसमें जो है वेट कप देना जरूरी होता है। क्योंकि वेट कप का मतलब होता है कि जब हम बच्चे के पैरों में वेट बांधते हैं, वेट कप बांधते हैं, तो उससे बच्चे की मांसपेशियों की पावर को इम्प्रूव करने के लिए हमें वेट कप देने की जरूरत होती है। और बच्चे को जो वेट देना होता है, तो वो बच्चे की मसल्स पावर पर डिपेंड करता है कि बच्चे की मसल्स पावर कितनी है, किस ग्रेड में मसल्स पावर है। मसल्स पावर का पूरा चेकअप करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कितने केजी का वेट देना है और कैसे यूज करना है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। हमने इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाई है जो वेट बांध के बच्चा कर रहा है। तो हर प्रकार के बच्चे के लिए अलग अलग वेट की जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से हमें बच्चे के वेट को डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को कितने केजी का वेट बांधना है। तो ये भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के घर में पेरेंट्स के पास ये वेट कफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि बच्चे के वेट कफ बांध के आप बहुत सारी एक्सरसाइज घर पे करा पाएं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये होता है फुटबॉल। ये हमारे पास 3 नंबर साइज का जो है फुटबॉल है, और इस पर हम बच्चे को, जो बच्चे नेक कंट्रोल नहीं करते हैं या बच्चे जो हैंड पे वेट नहीं लेते हैं, उस पर हम ये इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से बॉल पे एक्सरसाइज कर रहा है। तो जो बच्चे फिटिंग नहीं करते हैं, नेक कंट्रोल नहीं करते हैं, उनके पास ये बॉल होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चे की एक्सरसाइज घर पे भी करा पाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, ये स्टिक है। ये हम बच्चों में स्टिक वेट ट्रेनिंग के लिए कराते हैं। जब बच्चा वॉकर से चलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हम बच्चों को स्टिक पे डालते हैं। ये हमारे पास एल्युमिनियम की 2 स्टिक हैं,
और इस पे हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, ताकि बच्चा जो है जब वॉकर बना वॉकर पे चलने लगता है, फिर हमें लगता है कि बच्चे का बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फिर हम बच्चों को स्टिक पे चलाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से स्टिक पे वॉक कर रहा है। तो जो बच्चे वॉकर पे चलने लगते हैं उसके बाद उन्हें स्टिक पे चलाने की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, ये स्टैंडिंग फ्रेम है। ये हमारे पास स्टैंडिंग फ्रेम है, ये एक प्लाईवुड होती है, इस पे ये हमारे पास जो है एक सीट होती है, रबर सीट इसके पर रहता है, उसमें आज ये वेलक्रो लगे हुए रहते हैं। और स्टैंडिंग फ्रेम का भी सर्वल पाल्सी बच्चों में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्वल पाल्सी बच्चों में। ऑटिज्म बच्चों में भी स्टैंडिंग फ्रेम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्टैंडिंग फ्रेम की बहुत सारी एक्सरसाइज होती है कि इससे बच्चा एक तो स्ट्रेट खड़ा होना सीखता है, दूसरे बच्चा जो है बच्चों में नेक कंट्रोल आती है, जो बच्चे नेक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो स्टैंडिंग फ्रेम के माध्यम से नेक कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद जिन बच्चों के नी बेंड होते हैं, यानी बच्चों में घुटने मुड़े हुए होते हैं, बच्चों में क्राउच गेट होता है, वो क्राउच गेट बच्चों का ठीक होता है नी मतलब स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से। और स्टैंडिंग खड़ा करने में जो डिस्टोनिक बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ही मसल स्टोन फ्लक्चुएट होता है, मसल स्टोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, बच्चों में बहुत ज्यादा बॉडी को टाइट करते हैं, तो स्टैंडिंग फ्रेम खड़ा होने से बच्चों का बॉडी नॉर्मल होता है। और बच्चे को कंटिन्यू खड़ा करने से बच्चा जो है स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा होना भी सीखता है, बच्चे को जो है स्टैंडिंग करने का है कॉन्फिडेंस लेवल भी स्टैंडिंग के फ्रेम से सहारे से बढ़ता है। तो स्टैंडिंग फ्रेम का सर्वल पाल्सी बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। स्टैंडिंग फ्रेम के सहारे से आप बच्चों में हैंड फंक्शन करा सकते हैं, बच्चों में नेक कंट्रोल करना सिखा सकते हैं, बच्चों को लाइटिंग या खिलौने वगैरह दिखा सकते हैं, बच्चों में जो है स्टैंडिंग करना बच्चों में सिखा सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से स्टैंडिंग फ्रेम का यूज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक लकड़ी का वुडन व्हीकल है, ये हमारी लकड़ी की गाड़ी है जो कि फोर व्हील में बनी हुई है। इसको हम जब बच्चे बैठने लगते हैं तो उसके बाद हम बच्चों को वॉकर पे चलाना शुरू करते हैं, ये बहुत ही आसानी से किसी भी पेरेंट्स को अवेलेबल हो जाती है। इसके सहारे से बच्चा चलना सीखता है, बच्चा खड़ा होना सीखता है, और लकड़ी की गाड़ी चलाने से बच्चे का चलने का हैबिट बनता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बच्चे फिटिंग करने लगते हैं तो हम बच्चे को चलना सिखाते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा पहला वीडियो है। उसके बाद एक हम इस पे और वीडियो बनाएंगे ताकि आपको दिखाएंगे कि इसमें और क्या क्या मतलब बच्चों में इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि पेरेंट्स के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चे के घर पे भी एक्सरसाइज ठीक से हो पाए। तो इस वीडियो में हमने जानकारी दी है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट से कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।